नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे लगोटा की कटिंग। लगोट कैसे कटिंग होता है, आइए जान लेते हैं इस वीडियो में। तो इसके लिए आपको 1 मीटर कपड़े चाहिए, कॉटन के कपड़े होने चाहिए लगोट बनाने के लिए। अगर आप आपके घर में कोई किसी को हाइड्रोसील है तो उसके लिए भी आप लगोटा बना सकते हैं, और बहुत ज़रूरी होता है उनके लिए लगोट बनाना। तो आइए, अगर आप लगोट बनाना चाहते हैं तो आइए हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले इसकी कटिंग हम आपको बता देते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमने 1 मीटर कपड़ा लिया हुआ है। अब इसको क्या करेंगे, इसको इस तरह से ऐसा घड़ी करेंगे, इसको हम आड़ा बनाएंगे। अब देख सकते हैं ये कपड़ा आड़ा हो गया है, ये आड़े में ऐसा स्ट्रेचेबल हो गया है। अब इसको क्या करना है, आपको इस तरह से इसको घड़ी कर लेना है। इसका पॉइंट ऐसे इस तरह से घड़ी कर लेना है। ये आप देख सकते हैं, ये पॉइंट ऐसा है, ऐसा इस पॉइंट पे इसको इसको घड़ी कर लेना चाहिए। तो इसको यहाँ पे अब आपकी कमर की जितनी लंबाई है, जिसी किसी का लंगोटा आपको बनाना है तो उस कमर की चौड़ाई पहले नाप लीजिए। तो कमर का भाग इस साइड में रखना चाहिए। जैसा कि कमर किसी का अगर 30 इंच है तो इसको 32 इंच हम कटेंगे, क्योंकि इसको 2 इंच हमको एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि यहाँ नाड़ी के लिए फोल्ड होता है, इसलिए कपड़ा 2 इंची यहाँ चौड़ा रहेगा तो इसमें एडजस्ट हो जाता है। और इसकी लंबाई यह है सर कि 10 इंची से 12 इंची, आप 12 इंची से 13 इंची आप कर सकते हैं। तो जैसा कि आप यहां से देख सकते हैं, हमने यहां निशान लगा दिया। अब यहां हमको 12 इंच निशान लगाना है, इसकी लंबाई लेना है। तो यहां से हमने इसको लंबाई ले ली। अब ये जो थोड़ा सा ये पॉइंट वाला कपड़ा बच रहा है थोड़ा सा, ये आसन पट्टी में चले जाएगा। तो इस तरह से आप इसको कटिंग कर ले। सबसे पहले यहाँ से हम इसको कटिंग कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसको हमने ये इसको लंगोटा कहते हैं, ये लंगोट है, ये इसको ऊपर वाला जो पोर्शन होता है इसको लंगोट कहा जाता है। आप देख सकते हैं, तो ये जो भाग है ये लंबाई का भाग हो गया, और ये चौड़ाई का भाग हो गया, ये कमर वाला भाग हो गया। अब इसको हम साइड में रख देते हैं। अब आपको आसन पट्टी कटिंग करना है। तो इस कपड़े को ऐसा ले लें आप सीधा सीधा इस तरह से, और इसको इसमें आपको इसकी चौड़ाई कितना करना है, आपको मीडियम में आपको 7 इंच 6 इंच का रखना है आपको। जैसा कि 6 इंच अगर आप रखेंगे तो इसको 1 इंची एक्स्ट्रा रखना है 7 इंच, क्योंकि यहाँ फोल्ड होता है तो उसमें फोल्ड करने के लिए कपड़े चाहिए, तो इसलिए आपको 1 इंची एक्स्ट्रा रखना है। तो इसको हम 7 इंची पर यहाँ पर निशान लगा देते हैं यहाँ से, और इसको हम यहाँ से सीधा कटिंग कर देते हैं। का भाग हो गया ये आसन पट्टी, इसको हम आसन पट्टी बोल सकते हैं, या तो आप मियानी पट्टी कह सकते हैं, या तो फिर आसन पट्टी। इसकी लंबाई जो है वो इसकी लंबाई जितनी आपको रखना है, यानी इसका लंबाई जो है आपको 40 इंच रखना है, तो वो डबल पार्ट में हो जाता है। तो इसकी लंबाई आपको 40 इंच रखना है। अब बाकी इसमें आप नाड़ी के लिए कपड़े निकाल सकते हैं जो कपड़े बचे हैं आपको, और ये कपड़ा जो है ये जो लगोट है इसको आपको सिंगल रखना है, क्योंकि अगर डबल रखेंगे तो इसको पहनने में गर्म करता है। तो अब इसको क्या करना है, आपको 40 इंच रखना है, इसको यहाँ पे इसको ज्वाइन करना है। यहाँ इसका स्टिचिंग का भी वीडियो हमने अपने चैनल पर अपलोड किया है, आप वहाँ से भी सीख सकते हैं। अब यहाँ से ज्वाइंट हो जाएगा, ये इतना जो भाग हमने बताया लंबाई में लंबाई के में एक्स्ट्रा रहता है। तो कुछ लोगों को कन्फ्यूज रहता है कि लंबाई इसकी ज़्यादा हो जाती है, इसकी लंबाई केवल यहीं से नाप होगा यहाँ से। अब आप देख सकते हैं यहाँ हमने इसको निशान लगा दिया है, हमने बताया था 12 इंच लंबाई इसकी, आप देख सकते हैं 10 इंची से 12 इंची। तो यहाँ फोल्ड करेंगे तो हम यहाँ से 10.5 इंची आ जाता है। तो इस तरह से आप इसको लंगोट को कटिंग कर सकते हैं। आई होप कि लंगोट कटिंग करना आपको आ गया होगा। अगर इसकी स्टिचिंग आपको करना है तो हमारे चैनल पर जाकर इसकी पूरी की सिलाई सीख सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।